वाह क्या नजारा है। जय हो, समाओ एक सेल्फी हो जाए। बड़े भैया देखो हम फोटो में कितने अच्छे लग रहे हैं। मोटू है यानी नो एंट्री, बी वेयर ऑफ ज़ेब्रा एंट्स। ये एरो क्या है? वो ज़ेब्रा एंट्स है। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ज़ेब्रा की साइज की एंट्स पाई जाती है जो कि ज़ेब्रा की तरह दिखती है। वहाँ कोई नहीं जाता। अरे हम नहीं डरते हैं ज़ेब्रा से। हमारे यहाँ तो ज़ू में ज़ेब्रा होते हैं और एंट्स एंट्स तो घर घर में होते हैं। एक फोटो तो खींचे, चलो पतलू ऊपर चलते हैं, उनके साथ सेल्फी लेकर आते हैं। जाओ, जब टूरिस्ट के बुरे दिन आते हैं ना तो वो ज़ेब्रा एंट्स की तरफ जाता है। तू सोच लो ऊपर जाना ठीक होगा क्या? तुम रहने दो यार, तुम जिधर भी ले जाती हो वहाँ हमारी पिटाई करवाती हो यारी, जाने दो। अरे तुम लोग एंट से डरते हो। एंट से क्या डरना, ना तो ज़ेब्रा खतरनाक होते हैं और ना ही एंट्स। सोचो फोटो खींचकर लोगों को दिखाएंगे, ये एक यादगार बात रहेगी। चलो चलो फोटो खींचकर भाग कर आ जाएंगे। चलो लेकिन सिर्फ फोटो खींचकर आ जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। हाँ, सिर्फ फोटो खींचेंगे पक्का। दारुण तो वेरी गुड नाइस। मजा आ गया यार, बल्ले बल्ले। अरे ये कौन लोग हैं जो यहाँ चले आ रहे हैं? सुंदर सुंदर। अरे सब लोग जा रहा है यहाँ तो देखो। वो देखो ज़ेब्रा एंट्स, वो देखो। अरे कहाँ चले गए? चलो चलो फोटो खींचेंगे, चलो चलो। अरे भागो, फोटो छोड़ो, इनका साइज तो देखो। नहीं बस एक सेल्फी। तो हो गए तसल्ली, तुम्हें मजा किया था ना? मेरी यार। कितनी खतरनाक एंट्स है ये। अरे मुंह बदलो, तुम अपना मुंह उधर करो। मुंह उधर करो, लेकिन क्यों? अरे करो तो सही, क्योंकि अब जो होगा तुम देख नहीं पाओगे यारी। बदलो है। अरे मेरा मुंह उधर करवा के मेरे दोस्त को पीट रहे हो, ये गलत बात है। अरे इसकी वजह से हम बार बार मुसीबत में फंसते हैं, वो सही बात है क्या? सॉरी सॉरी दोस्तों, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बार हम उड़ के जाएंगे। मेरे भाई मेरी यार, मोटू ठीक कह रहा है, इस बार हम उड़ के जाएंगे तो कैसे काटेंगी? चलो सब हम तो चले।
डॉक्टर झटका डराम जिंगम सर आप लोग जरा मुंह उस तरफ करो मेरा कोई दोस्त नहीं है अरे सब इधर ही देख लो और एक साथ पीट लो लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तुम लोग सोचो क्या एंट्स बिगुल बजा सकती हैं सोचो सोचो बिगुल कौन बजाता है चीटियां बिगुल नहीं बजा सकती हैं बुढ़ी पापा हम अपना 20 साल का तजुर्बा में एंट्स को बिगुल बजाते हुए कभी नहीं देखा अरे हाँ ये पॉइंट तो है कि बिगुल कौन बजाता है हमें जाकर देखना पड़ेगा बच्चा एकदम ठीक बोल रहा है हमें देखना चाहिए कि बिगुल कौन बजाता है अरे भैया कुछ सोचो कि जाए तो जाए कैसे क्योंकि सब प्लान तो फेल हो जाता है मोटू मेरे पास नहीं यार हेलो अपना काम तो हो गया तो फिर देर किस बात की है चलो मोटू तुम्हारी बुश निकल गई अरे पतलू तुम्हारी भी निकल गई अरे सब भी निकल गई कहाँ गई कहाँ गई छोड़ो मुझे कहाँ चले गए किधर गए किसी को नहीं मालूम कि यहाँ एल्यूमिनियम नाम का दुनिया का सबसे कीमती मेटल है जब तक हम यहाँ से करोड़ों अरबों का मेटल निकाल नहीं लेते तब तक हमारी रोबोट ज़ेब्रांस टूरिस्ट्स को यहाँ आने से रोक के रखेंगी बस बहुत हो गया अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कितनी खबर मिलनी थी मिल गई अरे ये कहाँ से आ गया पकड़ो इसे भागने ना पाए अरे कोई पास नहीं आना इतना दर्द है कि सबको कूट कर रख दूंगा सारा गुस्सा तुम लोगों पर निकाल दूंगा अरे देख क्या रहे हो मारो इसे आ जाओ ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो तुम भी लो बाबा आज तो मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मैं भी किसी को छोड़ूंगा नहीं यार हम भी नहीं छोड़ेंगे बाप रे ज़ेब्रा एंट भी आ गई अच्छा तो ये एंट्स को रिमोट से कंट्रोल करता है रिमोट इधर लाओ अभी रिस्टार्ट करता हूँ ओहो गया काम से ओए नहीं अरे बस करो बहुत हो गया हम लोग सरेंडर करते हैं ठीक है चलो सब हाथ ऊपर करो और नीचे चलो जैसे हम लोग गोल होकर नीचे गए थे तुम लोग भी वैसे ही जाओ भागने की कोई जरूरत नहीं है ये सब रोबोटिक एंड्स है इन गुंडों ने बनाया है
सुनो, ऊपर जो यूरेनियम की बहुत बड़ी खान है ना, ये उसकी खुदाई करके चोरी कर रहे हैं। पुलिस को बुलाकर इनको अरेस्ट करवाना है। धन्यवाद। तुम लोग चाय नाश्ता ऑर्डर करो, मैं तब तक न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। अरे ये लिफाफा कैसा, इसमें तो कुछ लिखा है, एक मैसेज है। आज रात को 1 महीने का राशन ऊपर सनसेट केव में छोड़ जाना। अरे इसका क्या मतलब हुआ, लगता है केव में कोई तो राज की बात छुपी है। सुनिए ये लेटर मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो। अरे मैंने कहा दे दीजिए मुझे, दे दीजिए। अरे छोड़िए। अरे नहीं, मैं तो गया रे। अरे ये क्या किया, अरे मेरा इतना नुकसान कर दिया, अरे पकड़ा इन्हें। गुड। ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, एक बार फिर सोच लो। नहीं नहीं, मैं तो सनसेट केव्स जाऊंगा तो जाऊंगा, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, कुछ भी कहो। उस लेटर में कुछ तो राज की बात छुपी है, मेरे अंदर का जासूस जाग गया है। उड़ी बाबा, जब जब मोटू का जासूस जागता है तब तब हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अरे मैं तो जा रहा हूँ, जिसे आना है मेरे साथ आओ, नहीं आना है तो मत आओ। चलो, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अच्छा, कोई नए मेहमान आ रहे हैं। वेलकम वेलकम। ये लोग कौन है, ये हमारे आदमी नहीं लगते। दिखाइए सर, मिस्टर स्नो, मैंने कल इन्हें रेस्टोरेंट में देखा था। अच्छा, शायद इन्होंने वो लेटर पढ़ लिया होगा। ओह, तो ये बात है, मिस्टर स्नो का शो कोई अपसेट नहीं कर सकता। आज तो बहुत मजा आया, फिर से चलते हैं, वापस चलते हैं। जैसे एम्यूजमेंट पार्क में स्लाइड से नीचे आते हैं, वैसे ही मजा आया। क्या मेरे ऊपर चढ़ के एम्यूजमेंट पार्क का मजा ले रहे थे? मेरे अंदर का जासूस अब तो और भी ज्यादा भड़क उठा है, अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। बड़े भैया, फ्लाइंग हेलमेट्स निकालो। ओए मोटू मेरे भाई, मेरी यार, मैं हेलमेट लाना तो भूल ही गया यारी। बड़े भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पैदल ही जाएंगे। चलो। यार मैं तो थक गया। आइडिया। मेरे यार तेज चलो, तेज चलो, इतने धीरे चलोगे तो कब तक पहुंचोगे? अरे ये उड़ किधर रहा है? इधर आप भी पीटते हैं इसे, लेकिन ये झाटका बाबू तो दिख ही नहीं रहा है। अरे बड़े भैया किधर हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ यार, नीचे देखो नीचे। मेरे पैर, मेरे यार कैसा रहा? इसमें नीचे व्हील्स लगे हैं और ये मोटर से चलते हैं, ये हमें चढ़ चढ़ के ऊपर ले जाएंगे यारी। मो
मोटू घसीटा राम चिंगम सर इनको अभी सबक सिखाते हैं। इन्होंने हमें फिर उल्लू बनाया। बस मैं जैसा जैसा करूँ मेरा साथ देते रहना। अच्छा बड़े भैया डॉक्टर झटका देखते हैं कि तुम स्पीड से चलते हो कि हम स्पीड से चलते हैं। फुल स्पीड में लगा दो अपने व्हील्स को। ओए मेरे यार अभी लो अभी लगा देता हूँ। मेरे मरीजों की। अरे डॉक्टर झटका रो क्यों रहे हो? पहुंच तो गए हो ऊपर। ओए मेरे भाई मेरे यार मैं क्यों रो रहा हूँ? ये देखो क्या हाल किया तुम लोगों ने। अरे अभी रोने धोने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। ये दूसरा रास्ता खुला है, इसमें से ही जाना होगा। चलो अरे मामूनी महादो हम इसका ड्रेस ठीक करके आते हैं। चलो यार चलो तब तक हम आगे चलते हैं। ये लोग बहुत जिद्दी हैं, फिर से आ गए, अब क्या करें? हाँ ये सही जगह है। अरे ये बर्फ की दीवार सामने कैसे आ गई? एक मिनट में पूरी दीवार को ही खुरच खुरच कर निकाल देता हूँ। अरे चिंगम सर पतलू कहाँ चले गए आप लोग? इधर है। अरे कमाल है, तुम लोग बर्फ के अंदर छुप के आराम कर रहे हो और मैं यहाँ अकेले बर्फ खोद रहा हूँ। आराम? अरे हमें बर्फ में दबा दिया और बोलते हो कि आराम कर रहे हैं। चाचू सॉरी गलती हो गई, चलो आगे चलते हैं। चलो चलो बहुत जिद्दी लग रहे हैं, कुछ करो सर। अचानक ये गर्मी कैसे बढ़ गई? हिंदुस्तान की कसम हमारे उड़ी बाबा मार सुटिया आवाज नहीं आई, वो अब तक कहाँ रह गए? यार मार सुटिया पंपल वाले को। अरे हम लोग इधर हैं। अच्छा तो खुद मजे कर रहे हो और हमें आग से खेलने के लिए छोड़ दिया? हाँ मोटू जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ मैंने पहले ही बोला था चलो। जल्दी करो उनके आने से पहले सामान को छुपा दो, जल्दी जल्दी। अरे ये क्या? भागो! नहीं अब मेरा लाखों का सामान। हेलो एवरीवन, अब जल्दी जल्दी बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है। आई एम मिस्टर स्नो एंड दिस इज माय शो। दुनिया भर से चोरी का सामान लोग मेरे इस गोडाउन में रखते हैं और फिर जब चोरी का मामला शांत हो जाता है वो अपना सामान ले जाके बाजार में बेच देते हैं और मुझे इसके बदले में कमीशन देते हैं। साथियों पकड़ो इन्हें, अब ये बाहर नहीं जाने चाहिए। मैं तो गया रे। फेंको। हमें तो छोड़ दो। अरे ये क्या चल रहा है? अरे इस बर्फ के गोले में भी आदमी है, फेंको इन्हें। बचा। ओ मेरे भाई मेरी यार हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमें क्यों उठा के फेंक रहे हो? यार हम तुम्हारे दोस्त हैं।
स्टॉप द नो फ्लो। अरे नहीं नहीं, वो बहुत कीमती सामान है, मत फेंको। ओह, अरे 25,000 का नुकसान, अरे 50,000 का नुकसान। रुक जाओ, ये बहुत ही कीमती सामान है। ऑलरेडी 1,000,000 के सामान का नुकसान कर चुके हो तुम लोग। नो मोर फाइट प्लीज। जिन लोगों ने ये लेकर रखा है वो तो मुझे खत्म कर देंगे। इससे अच्छा है मैं सरेंडर ही कर देता हूँ। बड़े भैया, पहाड़ी चढ़ चढ़ के हम लोग बहुत थक चुके हैं। कुछ खाने के लिए है तो दे दो, उसके बाद हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलेंगे। गैंग ने बहुत बड़ी रॉबरी कर ली है और रॉबरी करके भागे हैं और पुलिस वालों को उनकी तलाश है। कब पकड़े जाएंगे? हेलो, मैं इंस्पेक्टर पीटर। मैं और मेरी टीम यहाँ भेस बदल कर जो बैठे हैं वो सारे पुलिस वाले, हम खासी गैंग को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई भी सस्पिशियस नजर आया तो हमें इन्फॉर्म करना। हाँ बिल्कुल। पतलू, मैं तो इस सर्दी की वजह से परेशान हूँ। वो खासी गैंग यही आ रही है, आज बच के जाने न पाए, पकड़ो उन्हें। सबको बहुत परेशान किया तुम लोगों ने। काम से अरे रुक जाओ, उन्हें अरेस्ट करना है, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जा। अरे भाई मुझे ही पीट लिया। आ गई वो खासी गैंग और छोड़ निकल गए। आज पहली बार खासी गैंग को पब्लिक ने खूब पीटा, फिर भी वो बच के भागने में सफल हो गए। मिस्टर कॉफ कह रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ हैं, फिर ये खांसी गैंग के नाम पर कौन पिट रहा है, चेक करना होगा। ओके टॉमी बॉस। थक गया। अरे इतना खांस क्यों रहे हो तुम? सुना नहीं लोग हमें खांसी गैंग वाला कह के पीट रहे थे और तुम हो कि अभी भी खांसते ही जा रहे हो। अब खांसी आ रही है तो क्या करूं पत्नू, कैसे रोकूं? अरे वो देखो खांसी गैंग, मारो उनको। खासी गैंग सरेंडर कर दो, अब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग खासी गैंग नहीं है, हम अपना 20 के तजुर्बे में खासी गैंग को कभी देखा तक नहीं। यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा वरना ये हमें खासी गैंग समझ के खत्म ही कर देंगे। नीचे मैन होल का ढक्कन खोलता हूँ, सब कूद पड़ो। Hands up! कोई चालाकी नहीं, मैंने कसम खाई है कि जब तक खासी गैंग को पकड़ नहीं लूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। पीछा करो उनका। यस सर। मुझे मेरी
यार बुड्ढू, लगता है तुम हमें खत्म करवा के ही छोड़ोगे। ये लो, ये बलून्स रख लो, इसके अंदर खांसना तो आवाज बाहर नहीं आएगी यारे। वो रहा बाहर जाने का रास्ता, ये बलून्स फेंको और यहाँ से चल निकलो। वो रहे, वो देखो ऊपर चढ़ रहे हैं, पकड़ो उन्हें, भागो। अरे चूहा, अरे हटो हटो मेरे ऊपर से। हेलो इंस्पेक्टर सर। अरे तुम यहाँ? हमें मालूम है, यहाँ आपने कसम खा रखी है कि जब तक खासी गैंग को पकड़ नहीं लोगे तब तक चैन की सांस नहीं लोगे। हम इस समय आपके घर आपको अपनी असलियत बताने आए हैं। मुझे तुम लोगों की असलियत पता है, जो भी इंस्पेक्टर तुम लोगों को पकड़ना चाहता है तुम उसे खत्म कर देते हो। सॉरी सॉरी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर सर डरिए मत, हम चाहते हैं कि आप चैन की सांस ले ले। चैन की सांस भी ले ली, जाओ तुम्हें माफ कर दिया, छोड़ दो मेरा पीछा, छोड़ दो प्लीज। अच्छा अच्छा हम जाते हैं। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ दरवाजा खुला है। अब सुनिए इंस्पेक्टर सर, हम लोग चोर नहीं हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक स्नीजिंग गैंग आ गया है। स्नीजिंग गैंग ने तो खासी गैंग से भी बड़ा काम कर दिया है। लंदन इंटरनेशनल बैंक का पूरा सोना लेकर शहर से बाहर भाग रहे हैं। पुलिस की सारी गाड़ियां खराब कर दी हैं ताकि कोई पकड़ ना सके। सुनो, बॉस कह रहे हैं कि शहर के बाहर चलो और उन्हें पकड़कर सारा सामान छीन लो। ये इलाका हमारा है, हमारा, वो यहाँ चोरी करेंगे। अरे हट। ओके कमी सर। अरे क्या बोल रहे हो, या तो बोल लो या फिर खांस लो। अरे ये कह रहे हैं कि ये चोरी का माल तुम हमें दे दो और तुम किसी दूसरे शहर निकल जाओ, वरना हम तुमको खत्म कर देंगे, खत्म। हमारे बॉस की एक्टिंग कर रहे हैं। अरे भैया मैं सचमुच खांस रहा हूँ, मुझे जुकाम है और इसी वजह से हर जगह लोग हमें खांसी गैंग वाला समझ के पीट रहे हैं। लगता है ये स्नीजिंग गैंग वाला है। अरे हम कोई चोर वोर नहीं हैं, तुम लोगों को पकड़ने के लिए ये चाल चली थी हमने, ताकि मोटू बिना किसी डर के आराम से खांस सके। साथियों सुनो, बोलिए। बॉस कह रहे हैं गन निकालो और फूंक डालो इन सबको। पतलू खा
खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया, कार में जो तुम्हारी खांसी भर के बलून्स रखे हैं ना, वो निकालो। अरे बॉस कह रहे हैं कि बलून से हमारी गन का सामना करोगे या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? अभी बताते हैं। You are under arrest. अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। बॉस कह रहे हैं ये क्या है? ये तुम लोगों का प्लान था ना? हाँ, ये इन लोगों का प्लान था। अब मैं आराम से खा सकता हूँ। दोस्तों, बर्लिन का मार्केट कितना अच्छा है ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। उस महिला का नेकलेस बड़ा सुंदर है। मेरा नेकलेस, मेरा नेकलेस! अरे मैंने देखा था नेकलेस, वो हवा में उड़ता हुआ उस आदमी के पास गया था। लगता है उसने जूम से नेकलेस निकाल लिया और बहुत तेजी से। हाँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ गया ही नहीं। मुझे चोर समझा है क्या? इस लेडी का नेकलेस तुमने ही चोरी किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जादू है, तुम कैसे गायब हो जाते हो? मैं कुंफू कलाकार रेम्बो बेल्ट हूँ। कुंफू कराटे की जितनी कलर की बेल्ट होती है सबको मिलाकर रेम्बो बेल्ट बनती है। मेरी स्पीड इतनी है कि कोई देख नहीं सकता। अरे रुको, भाग तो कहाँ हो? अरे चाहे तुम कोई भी बेल्ट हो लेकिन मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बाय बाय। अरे ये क्या कर दिया, कौन हो तुम? मैं पकड़ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे पकड़ के ही दम लूंगा। अरे बाबा एक मिनट रुको, हम अभी आते हैं। ये चोर है नहीं, पकड़ो पकड़ो, चोरी करने आया है। मोटो निकलो यहाँ से जल्दी। अरे कहाँ बाप? बाय बाय। ओए जल्दी चलो यार। ओ जी छोड़ना मत उसे। अरे वो उसी की कार है, चलो। अरे ये रेड सिग्नल भी कितना टाइम लगा रहा है। चलो जब तक एक और हाथ साफ कर लेता हूँ। अगर ऐसे भागोगे तो वो हाथ से निकल जाएगा, सिग्नल होने वाला है यारी। मेरे पैर मेरी यार, एक ही हेलमेट था उसे भी तोड़ दिया, इसीलिए तो तुम्हें बताया नहीं था। अब भागो पैदल, अगर मेरे साथ लटक कर जाते तो ज्यादा अच्छा था ना। मेरा पास भूत लेकर भाग गया। भूत भूत चिंगम का चंगुल से बचने
totally impossible. Brutally impossible. Hey, Joe, you are under arrest. Hey, Nariello! Stop! ये हमारी इज्जत का सवाल है। इस रेनबो बेल्ट वाले को ही मारना। हमें नहीं। हम। अंजो मरना। ये मरनी? हम मरनी? ये ले मरी ताम नहीं मरना। अयम। नारियलों को टारगेट नहीं मिला तो अब हमें टारगेट बनाएंगे। उठो सब, सिग्नल ग्रीन हो गया है, वो भाग के जा रहा है, पीछे करो उसका, चलो। ओ यार, मुझे भी तो ले लो। बुरा चोर। अब ठीक लग रहा है, पहले जैसा हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि दीवार टूटी थी। हाँ, एकदम नया हो गया। वो आदमी पकड़ में आ जाता तो हम उसको इसी दीवार की तरफ तोड़ फोड़ देते। मोटो कार तेज करो, अभी किसी भी हालत में उसे पकड़ना है। ये लो। अरे पतलू, गाड़ी रुक नहीं रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ, तुम फिर से आ गया? आज तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने फिर से हमारी दीवार तोड़ दी। बड़े रुको, तुम भाग के किधर जाता है? नहीं, मिस्टर विजिबल को इनविजिबल होते कोई नहीं पकड़ सकता। ये मेरी कुंफू की रैम्बो बेल्ट का आइडिया बहुत काम किया। वो लोग सही में सोच रहे हैं कि मैं सचमुच कुंफू की स्पीड से गायब हो जाता हूँ। वो समझ नहीं सकते कि मैं इस गैजेट की वजह से कुछ सेकंड के लिए खुद भी गायब हो सकता हूँ और कुछ भी गायब कर सकता हूँ। वो देखो कितनी स्पीड से रेनबो बेल्ट वाला जा रहा है। आदमी दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ बैग ही कार में रखते नजर आ रहे हैं। ज़ूम ज़ूम। अरे मोटो, वो सिर्फ बैग ही ले जा रहे हैं, आदमी नहीं है। ऐसा लगता है वो लोग बैग फेंक रहे हैं जो डिक्की में जा रहे हैं। Stop! You are under arrest. Chingam ka chingam se bachna impossible. Bola to impossible. Nariyal, izzat ka sawal hai. Hamara saath dena. Amma. Aiyam na. Yaro nahi, amra nahi. Yela par naam nahi banda. सॉरी नारियल, वो गायब हो गए फिर से। अब तो इनको नहीं छोड़ेंगे। चलो सब फ्लाइंग हेलमेट लगाकर उड़ो। आओ मेरे साथ चलो। अरे क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हम लोग तो घोस्ट हैं। घोस्ट घोस्ट। अरे नहीं नहीं, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते हैं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अच्छा तो हम झूठ बोल रहे हैं, ये ले। मार सुतिया की आवाज नहीं आ रही है, बड़े भैया किधर है? अरे भूजी, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो ना प्लीज। हम अपना बिस्तर का तजुर्बा लिए कभी भूत से मार नहीं खाया। बड़े भैया, हम सब मार खा रहे हैं, लेकिन आप कैसे बच के खड़े हो? मेरे भाई, मेरे यार, जब भी ये मुझे मारने के लिए आते हैं ना, तो मैं इधर उधर हो जाता हूँ। ये लोग
मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं। पर आप देख कैसे लेते हो? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, मेरे पैर में यार, मैंने ये चश्मा लगाया है ना, इससे वो लोग दिखाई दे रहे हैं। वो कोई भूत वूत नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। और कितना है? एक मिनट भूत भैया, रुको रुको रुको, पहले बड़े भैया से हिसाब किताब कर ले। अरे चश्मा हमें नहीं दे सकते थे, इतनी देर से हम लोग पिट रहे हैं। हाँ, यार मौका ही नहीं मिला, और तुम लोगों ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। ये लो यारी। भूत भैया किधर हो? आ जाओ। बॉस बॉस, लगता है हम लोग इनको दिखाई दे रहे हैं। असली अवतार में आते हो कि नहीं? भूत भैया बहुत मार खा लिए, अरे अब तो प्रकट हो जाओ। ये बताओ, ये रेनबो बेल्ट कहाँ से लिए? अरे ये कोई बेल्ट बेल्ट नहीं है, हम इस गैजेट की मदद से कुछ सेकंड के लिए गायब हो सकते हैं। सबको उल्लू बनाया लेकिन तुम लोगों को नहीं बना पाए। सर, ये रहे आपके चोर जो इस गैजेट की मदद से गायब होके चोरी करते थे। थैंक यू वेरी मच सर, हमें इनकी बहुत दिनों से तलाश थी। आपको मैं सरकार से इनाम दिलवाऊंगा। हो सके तो आप मुझे गर्मा गर्म समोसे खिला देना। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।